नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है। शिव मंदिर प्रांगण के बीच में हम आज खड़े हैं, जहाँ पे दुर्गा ऑन कैनवस, यहाँ पे प्रतिभागी छोटे छोटे भाई बहन और बड़े बुजुर्ग सभी मिलकर के जिस तरह का अपने मनोभाव को, अपने भावनाओं को एक ड्राइंग का रूप दे रहे हैं ना, उसे अविश्वसनीय हम कहेंगे, जिसे आप देख करके मंत्रमुग्ध हो जाने वाले हैं। तो आइए, हमारे बीच यहाँ के तमाम पदाधिकारीगण हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवा करके चीज़ों को और स्पष्ट समझते हैं कि ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो आज बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या आपका प्रोग्राम हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप? हम लोग का ये जो प्रोग्राम है न्यू क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन है, बीएम फाइन आर्ट एंड कल्चर ड्रेस बैंक का तरफ से। हम लोग का ये 13वां साल है, 13 साल चल रहा है। तो इस बार हम लोग का जो प्रोग्राम है शिव मंदिर बेगनवाड़ी टी गार्डन में हो रहा है, और वेस्ट बंगाल में टोटल इस साल में टोटल 8 जिला में ये प्रोग्राम हो रहा है। और इसका साथ दुर्गा ऑन कैनवस जो प्रोग्राम है वो भी हो रहा है। हम लोग का जो सिलीगुड़ी का लोकल आर्टिस्ट है, बाहर से भी आर्टिस्ट आया हुआ है, तो वो लोग अपना मन से नेचर दुर्गा माँ दुर्गा का ऊपर में पेंटिंग कर रहा है। बच्चे लोग भी आए हैं पेंटिंग लेकर। हम लोग का ऑनलाइन एग्जीबिशन भी हो रहा है बच्चे लोग का। तो मैं यही कहूँगा नेक्स्ट ईयर में और भी ज़्यादा आर्टिस्ट हो, आप लोग भी आइए, सब कोई आइए, अच्छा लगेगा। इसलिए हम लोग का ये जो प्रोग्राम है ना, इसका मेन जो गोल है वो है कि हम लोग जो बच्चा नीडी चिल्ड्रेंस जो है उन लोग को दुर्गा पूजा में न्यू क्लॉथ्स देना, यही एक्चुअली हम लोग का गोल है। और इसका साथ हम लोग सब कोई जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग सब कोई आर्टिस्ट है, तो उसका साथ में ये आर्ट का पार्ट एक जुड़ा हुआ है कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे, थोड़ा नेचर में रहेंगे, ड्राइंग भी करेंगे, और उसका साथ साथ बच्चे लोग का न्यू कपड़ा भी हम लोग दे सकेंगे वहाँ पर। भारत सरकार के तरफ से या राज्य सरकार के तरफ से आपको अभी तक कोई अनुदान, कोई हेल्प, कोई मदद, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ हेल्प अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। और हम लोग ये प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं, हम लोग का जितना आर्टिस्ट है जान पहचान का जो है ज़्यादा क्लोज जो है, हर साल वो लोग थोड़ा बहुत हेल्प करता है, और बाकी हम लोग जितना भी हो सकता है मिलके, सब कोई मिलके हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। धन्यवाद। बच्चे लोगों को ड्राइंग करना चाहिए, इससे बच्चे लोगों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। मैं तो बोलूँगी हर बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग तो थोड़ा बदमाशी करते हैं, मम्मी लोगों का बहुत कंप्लेन रहता है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन तो होना जरूरी है। लगभग कितने वर्षों से आप कर रही हैं? मैं तो एकदम छोटे से ही कर रही हूँ। क्या बना रहे हैं दादा? ऐसे आउटडोर लैंडस्केप। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आज आप क्या बना रहे हैं? मैं तो हम लोगों का जो ये जो प्रोग्राम हो रहा है ना जी, ये दुर्गा ऑन कैनवस, ठीक है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, एक दुर्गा माँ का पिक्चर। सर कितने वर्षों से आप ये काम कर तो रहे हैं? छोटा से कर रहा हूँ। आपको बहुत आनंद आता है इसमें? बहुत आनंद आता है, क्या बोलेंगे हम, मतलब ये जो काम करता हूँ ना, मतलब खो जाता हूँ। चलिए, अच्छा, वाह, इतना अच्छा लगता है हमको। सर जो आर्टिस्ट या जो नए लड़के लड़कियाँ इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं तो यही कहूँगा जो सबको आना चाहिए, ड्राइंग सबको करना चाहिए, क्योंकि इसमें खाली ड्राइंग नहीं है, बहुत कुछ है इसमें, फ्यूचर भी हो सकता है, बहुत लाइन आता है ड्राइंग से, बहुत मतलब क्या बोलेंगे, क्या नाम है सर? कुछ कर सकता है। हाँ, सर का नाम मौला चक्रवर्ती। थैंक यू सर। यूनेस्को स्वीकृति दुर्गा पूजा, সেই দুর্গাপূজা উপলক্ষে আমরা প্রতি বছর লম্বা লম্বা ঠিক এই টাইমে আমরা একত্রিত হই, সকলে মিলে শিল্পী, সাধারণ মানুষ, সাহিত্যিক, উপন্যাস লেখক, সবাই মিলে একসঙ্গে আছি। তো এখানে একটা জিনিস তোমরা এখানে একটা জিনিস একটু উপভোগ করতে পারবে, যে আমাদের মাধ্যম দিয়ে যে তোমরা যে কিছু ভালো জিনিসগুলো নিয়ে যাবে সেটা আমাদের কাজকর্ম, আমরা ছবি আঁকবো একটু পরেই, তারপরে তোমাদেরকে যে আমরা একটা উপহার দেব সেই উপহার করে তোমরা আনন্দে এত বড় জীবন রয়েছে, তাই তো? আর এই যে মাস্টারমশাই বলে দিলেন সব,
যে তোমাদের সবার মধ্যে কিছু না কিছু গুণ আছে, আছেই। আমাদের হয়তো অনেক সময় অভাব হয়, খাবার কষ্ট হয়, জামাটা ভালো থাকে না, সব হয়। কিন্তু আমাদের যখন মানুষের জন্ম হয়েছে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে থাকতে হবে জেদ। সেই জেদ দিয়ে আমরা বড় হব। মাস্টারমশাই সব বলে দিয়েছেন, ছবি আঁকবে, নাচ করবে, গান করবে, কবিতা বলবে, ঠিক আছে, আর কোনোদিনও কারোর সঙ্গে কোনো ঝগড়াঝাটি করবে না, সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। আর দেখো সবাই মিলে তোমাদেরকে একটা নতুন এই পুজোর সময় দেবেন একটা করে উপহার। সেই উপহারটা পরে মনের মধ্যে একটা শপথ করবে যে আমরাও বড় হব, আমরাও এরকম ছোটদেরকে উপহার দেবো, ঠিক আছে। সবাই ভালো থাকবে।